हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे वोवेरान इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे ये इंजेक्शन के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में ये इंजेक्शन को लगाया जाता है, साथ ही जानेंगे उसका डोज क्या रहता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या रहते हैं एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहेगी ये इंजेक्शन के यूज़ करने पर। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मर ऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मर ऑक्स के ऐप ऊपर। अब आप सीख सकते हैं मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज फार्मर ऑक्स के ऐप ऊपर। वहाँ पे सीखे मेडिसिन के बेसिक यूज के बारे में, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक साल तक सरल भाषा में, अफोर्डेबल प्राइस में। तो डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फार्मर ऑक्स की, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वोवेरान इंजेक्शन के बारे में जाने, तो ये इंजेक्शन जो है वो ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक मेडिकेशंस, या फिर जो पेन रिलीविंग मेडिकेशंस कही जाती है, या फिर जो पेन किलर्स होते हैं, ऐसे क्लास का मेडिकेशन है ये वोवेरान इंजेक्शन। इसके अंदर जो कोई सॉल्ट कंपोजिशन हम देखें तो वो है डाइक्लोफेनेक सोडियम के। यहाँ पे आप देखो लिखा है कि डाइक्लोफेनेक सोडियम का ये इंजेक्शन है एज पर IP, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू ये इंजेक्शन को जो है वो बनाया गया है। फिर वोवेरान जो है वो उसका ब्रांड नेम है वोवेरान इंजेक्शन, और 1 ml का ये इंजेक्शन रहता है, एक्वियस इंजेक्शन रहता है कि जो डिस्टिल स्टराइल वाटर के अंदर बनाया हुआ होता है। और यहाँ पे हिंदी में भी उसका नाम लिखा है वोवेरान इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंड IV इन्फ्यूज़न के थ्रू इसको दिया जाता है। कि अगर आप IV से देते हैं, डायरेक्टली वेन में देते हैं, तो उस वक्त IV इन्फ्यूज़न लगाना जरूरी, मतलब कि जो ड्रिप होती है उसके साथ ही ये इंजेक्शन दें, और इंट्रामस्कुलरली भी आप दे सकते हैं। 1 ml का इंजेक्शन रहता है कि जिसके अंदर जो डाइक्लोफेनेक सोडियम है वो रहता है 75 mg। और डाइक्लोफेनेक के बारे में हम जानते हैं कि ये एक एनाल्जेसिक मेडिकेशन है, पेन किलर के तौर पे ये काम करता है। तो यहाँ पे उसके लेबल को अच्छे से स्टडी करते हैं कि नोवार्टिस जो है फार्मास्यूटिकल, उसके मैन्युफैक्चर है 1 ml के अंदर 75 mg जितना ड्रग है, और प्रॉपर ये इंजेक्शन को प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो 1 ml का ये एम्प्यूल्स आते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि एक एम्प्यूल के अंदर 1 ml जितना जो है वो मेडिकेशन रहता है, और 1 ml में रहेगा 75 mg। तो अब ये समझना जरूरी है कि इंजेक्शन क्यों दिया जाता है वोवेरान का, टैबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं तो इंजेक्शन क्यों यूज़ करते हैं। तो ये इंजेक्शन ऐसे पेशेंट को दिए जाते हैं कि वो अनेबल होते हैं टैबलेट डोजेस फॉर्म को लेने में, कि जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं टैबलेट्स वगैरह या फिर कैप्सूल्स वगैरह जो आते हैं, या फिर सिरप फॉर्म में मेडिकेशन है, कि मतलब सिंपली पेशेंट समझे कि ओरली मेडिकेशंस नहीं ले पा रहा, कि ओरल रूट से उसको लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, और उसके कुछ रीजंस ये है कि उसको स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, कि ये टैबलेट जो है वो आसानी से स्वेलो नहीं कर पाते, तो स्वेलोविंग में समझे कि प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी होती है, तो उस वक्त इंजेक्शन देना बेटर रहता है। सेकंड, पेशेंट को जो है वो उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, जिसको हम कहते हैं कि नौजिया जैसा वो फील करता है, तो उस वक्त टैबलेट देने से क्या होगा कि अगर उसको वॉमिटिंग वगैरह होती है तो मेडिकेशन के प्रॉपर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होते। तो अगर उसको सीवियर नौजिया वॉमिटिंग है तो उस वक्त ज़रूरी है कि इंजेक्शन देना सही रहता है। तीसरा, टैबलेट लेने से उसको स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक इरीटेशन हो जाते हैं, कि पेट के अंदर उसको जलन होती है, एसिडिटी जैसा काफ़ी हो जाता है, या फिर डिसकम्फर्ट फील करते हैं अगर वो टैबलेट लेते, तो उस वक्त इंजेक्शन देना जरूरी है। और चौथा कंडीशन कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, कि यहाँ पे आप देखो कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो चुका है, कि ऐसी कंडीशन है कि वो टैबलेट ना ही स्वेलो कर पाएगा, या फिर कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो भी वो नहीं ले पा रहा है ओरल रूट से, तो उस वक्त उसको इंजेक्शन के थ्रू मेडिकेशंस लेना जो है वो काफ़ी सही रहता है। तो ये इंजेक्शन जो है वो IV के थ्रू दिया जाता है, IV ड्रिप की जो IV इन्फ्यूज़न कहते हैं, या फिर इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है उसके अलग अलग पेन के जो कंडीशंस होते हैं उसके इलाज में।
तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरएक्स लिखा हुआ है, तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप उसको यूज़ करें। आरएक्स ओनली मेडिकेशन के लिस्ट में आता है और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है ये, कि जो डाइक्लोफेनेक है, डाइक्लोफेनेक के बारे में हम जानते हैं कि ये नसेड्स कही जाती है, और ये जो है वो एक पावरफुल पेन किलर मेडिकेशन है कि जिसको एनाल्जेसिक मेडिकेशन भी कहते। तो ये मेडिकेशन क्या होगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है उसके पास और साथों साथ एनाल्जेसिक एक्टिविटी के, जिसके कारण ये मेडिकेशन स्पेशली ऐसे मेडिकल कंडीशंस के अंदर यूज़ की जाती है कि जहाँ पे पेशेंट के अंदर सूजन देखने को मिल रही है या फिर उसको काफ़ी पेन है, बिकॉज डाइक्लोफेनेक एक पावरफुल पेन किलर के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। उसके मैन्युफैक्चरर्स के बारे में समझे तो वोवेरान इंजेक्शन के मैन्युफैक्चरर्स कौन है, तो वो है नोवार्टिस, कि नोवार्टिस इंडिया फार्मेट लिमिटेड जो है वो उसके मेन मैन्युफैक्चर है। और नोवार्टिस के बारे में हम समझे तो नोवार्टिस एक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, स्विस मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी की, जिसका जो हेडक्वार्टर्स जो है वो बेजल के अंदर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो एक स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी कह सकते कि एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी की, जिसके प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिलती है। और ये एक लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कि जितने भी अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसमें सबसे लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है ये नोवार्टिस। तो नोवार्टिस इसके मैन्युफैक्चर है। आगे समझे तो कौन से कंडीशंस में ये यूज़ किया जाता है वोवेरान इंजेक्शन, कि अगर किसी को गाउट है, कि गाउट का पेन हो रहा है आपको, माइग्रेन के कारण पेन हो रहा है, कि जो है माइग्रेन हेडेक होता है उसमें पेन हो रहा है, रूमेटोइड आर्थराइटिस की कंडीशन की जो हम गठिया कहते हैं, वात रोग वगैरह कहते हैं उसमें, फिर स्प्रेन ऑफ मसल्स, मतलब कि मसल जब खींच जाते हैं, कि मसल के तनाव के कारण जो पेन वगैरह होते हैं, जॉइंट के अंदर आपको पेन वगैरह है, या फिर माइल्ड टू मॉडरेट आपको फीवर है, कि आपको बुखार वगैरह है और बुखार के कारण जो है वो दर्द कर रही है आपकी बॉडी, तो उस वक्त ये इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है, कि जिससे जो पेन है वो कम होता है, साथ ही जो स्वेलिंग होती है, सूजन होती है वो कम हो जाती है, जॉइंट की जो स्टिफनेस होती है, कि जॉइंट जो है वो काफ़ी अकड़ जाते हैं, कि इसके इलाज में भी यूज़फुल है। जॉइंट के अंदर आपको दर्द हो रहा है, कि जो हमारे बॉन्स के अलग अलग जॉइंट होते हैं, कि जैसे रूमेटोइड आर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट पेन होता है, तो सभी के कंडीशन में ये यूज़फुल होती है। तो उसके अलावा हम देखें तो जो दूध दर्द, मतलब कि जो दांतों का जो दर्द होता है, कि दांत में जब दर्द होता है किसी इंजरी के कारण, या फिर वहाँ पे डेंटल इन्फेक्शन हुआ है, किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण भी दांतों के अंदर दर्द हो रहा है, तो वो दर्द को, वो पेन को कम करने के लिए भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। कि अगर टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा है पेशेंट, टैबलेट से उसको सुकून नहीं मिल रहा है, दर्द कम नहीं हो रहा है, तो उस वक्त आप जो है वो वोवेरान का इंजेक्शन उसको दे सकते हैं। अगर किसी को बॉडी पेन हो रही है, कि बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती है कि उसमें आपकी पूरी बॉडी जो है वो दर्द करती है, कई बार जो देखो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें बुखार भी होता है, रनी नोज जैसी कंडीशन होती है, तो और साथ साथ बॉडी पेन भी करती है, तो उस वक्त भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। फिर जो स्टोन होता है किडनी के अंदर, और वो जब पास होता है उस वक्त बहुत पेन होता है, सीवियर पेन होता है किडनी स्टोन के दौरान, तो उस वक्त वो पेन को कम करने के लिए भी वोवेरान इंजेक्शन यूज़ किया जा सकता है। फिर किडनी पेन के तरह ही समझो कि बैक पेन हो रहा है पेशेंट को, तो भी ये यूज़फुल है। मसल पेन कर रहे हैं तो भी ये मेडिकेशन यूज़फुल साबित होगा। फिर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कि जो सूजन कम करने के लिए भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर ऐसे पेनफुल कंडीशन की जो काफ़ी सीवियर है उसमें भी यूज़फुल है। एंड जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मतलब कि कुछ सर्जरीज वगैरह होते हैं, कुछ ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, और उसके बाद पेशेंट को जो है वो पेन वगैरह होते हैं, दर्द होता है, तो वो दर्द को कम करने के लिए भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। कि सिंपली समझो कि किसी का दांत की सर्जरी हुई है, कि टीथ सर्जरी हुई, कि दांत निकाला गया है, या फिर वहाँ पे कोई सर्जरी, और उसके बाद उसको काफ़ी पेन हो रहा है, तो उस वक्त बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स तो दिए ही जाते हैं, बट उसके साथ पेन कम करने के लिए वोवेरान इंजेक्शन भी पेशेंट को जो है वो लगाया जाता है। फिर जो जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि रूमेटोइड आर्थराइटिस है,
ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डेलाइटिस की जो कंडीशन है, और डिसमेनोरिया की जो कंडीशन, मतलब कि जो पेनफुल पीरियड्स की कंडीशन है, और माइग्रेन हेडेक, तो सभी के अंदर ये इंजेक्शन काफ़ी यूज़फुल साबित होता है कि देखो इस तरह से हमारे जो हेल्दी स्पाइन्स होते हैं और उसमें जब प्रॉब्लम्स होते हैं उसके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे सूजन, और फिर वहाँ पे जो है वो बाम्बू स्पाइन्स जैसे कंडीशन, ऐसे प्रॉब्लम्स होती है जैसे बाम्बू जैसी कंडीशन हो जाती है, तो उस दौरान पेशेंट जो है वो काफ़ी पेन जो है वो फील करते हैं, काफ़ी दर्द होता है तो उनको, तो उस वक्त उनका दर्द कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए भी वोवेरान इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। उसके डायरेक्शन समझ ले तो ये इंजेक्शन को प्रॉपर डॉक्टर या फिर जो नर्स के थ्रू ही लगाना चाहिए पेशेंट को, और प्रॉपर एक्सपर्ट होना चाहिए वो पर्सन वो इंजेक्शन लगाने के लिए। तो दो रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है कि जब आप उसको आईवी देते हैं, इंट्रावेनसली देते हैं, तो आईवी जो है वो स्पेशली ड्रिप के थ्रू ही दीजिए कि ये जो ड्रिप लगाई जाती है उसके साथ ही ये इंजेक्शन को जो है वो आप मिक्स करें। और दूसरा ऑप्शन है कि इंट्रामस्कुलरली जब आप देते हैं आईएम के थ्रू, तो प्रॉपर एक्सपर्ट्स के थ्रू ही ये आईएम इंजेक्शन जो है वो लगाना चाहिए, वो भी मसल्स के अंदर प्रॉपरली, एंड कभी भी उसका सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, प्रॉपर एक्सपर्ट के द्वारा ही ये इंजेक्शन को लेना चाहिए। डोज की हम बात करें तो ये इंजेक्शन जो है वो वंस अ डे खासकर यूज़ किया जाता है, कि जो 75 मिलीग्राम का जो इंजेक्शन है तो वंस अ डे पेशेंट को लगाया जाता है, दिन में एक ही बार आप उसको यूज़ करें। एक से ज़्यादा बार यूज़ करना जो है वो कई बार प्रॉब्लम करता है, साइड इफ़ेक्ट्स करता है, तो ज़रूरी है कि आप उसको ओडी वंस अ डे ही यूज़ करें 75 मिलीग्राम का इंजेक्शन। और दूसरा इंजेक्शन है वो स्पेशली 24 आवर्स के बाद ही लगाए कि जिससे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ना हो। मेकेनिज़म समझे तो डाइक्लोफेनेक की जो मेकेनिज़म होती है स्पेशली, तो वो जो साइक्लो ऑक्सीजनेस जो पाथवे होते हैं उसको जो है वो इनहिबिट कर दे। तो देखो अराचिडोनिक एसिड क्या करता है, आगे जाके कॉक्स वन एंड कॉक्स टू जो एंजाइम्स होते हैं जिसको साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम कहते हैं, तो उनके सपोर्ट से आगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो पेन के मेडिएटर्स होते हैं एंड इन्फ्लेमेशन एंड फीवर के मेडिएटर्स होते हैं। तो अगर आप समझो कि ये कॉक्स की एक्टिविटी ही इनहिबिट कर देते हैं तो आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो पेन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम कर दे, तो पोटेंट इनहिबिटर बन जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस का, और जिसके कारण ये मेडिकेशन जो है वो पेन भी रिड्यूस कर देती है और साथ साथ रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन के, सूजन भी कम कर देगा और पेन भी कम कर देगा, कि जिससे पेशेंट काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हम देखें तो इंजेक्शन साइड पे होने वाले रिएक्शन के, जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ पे पेशेंट कई बार पेन फील करते हैं, दर्द होता है थोड़ी देर उनको, स्वेलिंग मतलब कि सूजन वगैरह हो सकती है, या फिर रेडनेस। तो ऐसा हो तो वहाँ पे आप जो है वो कोल्ड कॉम्प्रेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जो वहाँ पे आप बर्फ़ लगा सकते हैं इंजेक्शन के बाद, तो वो बर्फ़ लगाने से पेन भी कम हो जाएगा और स्वेलिंग कम होगी कि जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा फील करते हैं ये इंजेक्शन देने के बाद, तो कोल्ड कॉम्प्रेस से ये साइड इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं। फिर दूसरे साइड इफ़ेक्ट हम देखें तो कुछ लोग नौजिया वॉमिटिंग फील करते हैं ये इंजेक्शन देने के बाद, एब्डोमिनल ब्लोटिंग या फिर एब्डोमिनल या फिर स्टमक पेन जैसा फील करते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन जैसा उनको फील होता है, नौजिया वॉमिटिंग हो जाना, इनडाइजेशन जैसा फील होना कई बार फील करते हैं, फिर हार्ट बर्न मतलब कि सीने में जलन होना, बर्निंग फीलिंग की जो सीने में जलन होता है, एसिडिटी जैसा फील करते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों की एपेटाइट कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख कम हो जाना, स्टमक के अंदर डिस्कम्फर्ट वगैरह फील होना। तो इसीलिए जो डोज की बात हम करते हैं कि 75 मिलीग्राम का ये इंजेक्शन है 1 ml के अंदर, तो उसको वंस अ डे ही यूज़ करना चाहिए, कि दिन में एक ही बार ये इंजेक्शन जो है वो आप लगाए 75 मिलीग्राम का, कि जिससे ये सब साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो ना हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हम देखें कि कौन सी कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। तो अगर किसी को डाइक्लोफेनेक की एलर्जी है, या फिर किसी भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की उसको एलर्जी है, तो खास ये ध्यान रखें कि प्रॉपर उसका पेशेंट काउंसलिंग करें, मेडिकल हिस्ट्री चेक करें, और उसके बाद ही ये इंजेक्शन उसको लगाएं। फिर
अगर पर्सन ऐसा है कि जिसको इंटेस्टाइनल अल्सर है, कि उसके स्टमक के अंदर अल्सर है या फिर ऑलरेडी इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर है और साथों साथ उसको ब्लीडिंग रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, तो ये इंजेक्शन उसको ना लगाए। खास ये पॉइंट समझ लें कि एक्टिव स्टमक या फिर इंटेस्टाइनल अल्सर है कि उसके पेट में या फिर उसके इंटेस्टाइन मतलब कि उसके आंतों के अंदर कोई अल्सर है, तो ऐसे पर्सन्स को ये इंजेक्शन आप ना लगाएं। तीसरा कंडीशन, उसकी हिस्ट्री रही है स्टमक अल्सर की और उसके कारण जो है वो ब्लीडिंग होती है उसको, या फिर ब्लीडिंग की हिस्ट्री रही है पेशेंट की, और अगर ये पेन किलर्स यूज़ करता है तो भी उसको ये इंजेक्शन ना दे। फिर डोंट यूज़ इफ़ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्रेन एंड हार्ट डिसीज़, कि अगर किसी को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर हार्ट डिसीज़ है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक के पेशेंट है या फिर हार्ट फेलियर के पेशेंट है, तो उनको भी ये इंजेक्शन जो है वो नहीं लगाते। फिर ऐसे पेशेंट की जिनको सर्कुलेटरी डिसीजेज वगैरह है, कि जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जो हम कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारी है उसके रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो भी उसको ना दें। फिर एक्टिव लीवर डिसीज है या फिर किडनी डिसीज है और या फिर वो फेल हो चुके हैं, मतलब कि किडनी फेलियर के पेशेंट है कि उनके जो गुर्दे हैं वो फेल है या फिर उनका लीवर है वो ख़राब हो चुका है, तो खास पेशेंट काउंसलिंग करने से ही आपको पता चलेगा कि अगर आप पेशेंट के साथ अच्छे से बातचीत करते हैं, उसकी हिस्ट्री पूछते हैं तो भी पता चलेगा, या फिर अगर कोई पेशेंट को ऐसे प्रॉब्लम है और किसी को ये इंजेक्शन दे रहे हैं तो ज़रूर वो बताए कि आपका लीवर फेल है या फिर किडनी फेल है, तो कभी भी ये इंजेक्शन ना लें। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये इंजेक्शन को यूज़ नहीं करना चाहिए, और चिल्ड्रंस की जो अंडर 14 ईयर के हैं, कि अंडर 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन है उनको भी ये इंजेक्शन जो है वो नहीं देने चाहिए। फिर किसी को ब्लड क्लोटिंग की रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि ब्लड क्लोटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर थे और ऐसी कोई हिस्ट्री थी, तो उनको भी ये इंजेक्शन नहीं देते। फिर सर्जरी एसोसिएटेड रिस्क है, कि सर्जरी एसोसिएटेड रिस्क है ब्लीडिंग का, कि सर्जरी के दौरान कोई ब्लीडिंग होने का रिस्क है, तो उनको भी ये इंजेक्शन नहीं देते। उसके वार्निंग्स हम देखें तो अल्कोहल कंजप्शन ना करें, कि अगर आपको वोवेरन इंजेक्शन लगाया गया है तो वोवेरन इंजेक्शन प्लस समझे कि आप अल्कोहल भी यूज़ करते हैं तो उसके कारण सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो आप फील कर सकते, तो कभी भी अल्कोहल कंजप्शंस के दौरान वोवेरन इंजेक्शन को यूज़ ना करें। सेकंड, प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ ना करें, बिकॉज वो डेवलपिंग बेबी के ऊपर जो है वो रिस्क प्रोड्यूस कर सकता है और उसके एविडेंसेस भी हैं, तो ज़रूर ये ध्यान रखें कि अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसको यूज़ ना करें। फिर ये इंजेक्शन लगाने के बाद आप जो है वो व्हीकल ड्राइव ना करें, कि अगर आपको इंट्रामस्कुलरली भी लगाया गया है या फिर IV इन्फ्यूज़न के थ्रू लगाया गया है ये इंजेक्शन, तो कभी भी ये इंजेक्शन लगाने के बाद ड्राइविंग ना करें, किसी और को ड्राइव करने का कहे, कि जिससे कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज ये इंजेक्शन लेने के बाद कुछ लोग क्या है सरदर्द जैसा फील करते हैं, विजन कुछ लोगों की ब्लर हो जाती है, डिजीनेस मतलब कि नींद आना या फिर उबासी आना जैसा आप फील करते हैं, तो अगर आप ड्राइव करते और ऐसे कॉम्प्लिकेशन अचानक से हुए तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो कभी भी वोवेरन इंजेक्शन को लेने के बाद ड्राइव ना करें। फिर जो किडनी डिसीज के जो पेशेंट होते हैं, कि जिनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको प्रॉपर कोशन के साथ ही यूज़ करें। तो किडनी प्रॉब्लम मतलब कि किडनी फेलियर के पेशेंट है या फिर उनकी किडनी पार्शियली काम कर रही है उनको ना दे। तो यहाँ पे एक मैंने आपको इंडिकेशन बताया था कि जब किसी को स्टोन होता है किडनी के अंदर और उसके दौरान जब पेन होता है तो उस वक्त ये इंजेक्शन दिया जाता है, बट पेशेंट को पूछना जरूरी है कि आपको किडनी स्टोन का पेन तो है बट क्या आपकी किडनीज अच्छे से काम कर रही है। अगर उसकी किडनीज अच्छे से काम कर रही है और किडनी स्टोन का पेन है तो उस वक्त लगाना सही है, बट उसकी किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही या फिर उसको किडनी डिसीजेज भी है, किडनी फेल है, किडनी जो है वो पार्शियली मतलब कि प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो उस वक्त ये इंजेक्शन को आप कभी भी यूज़ ना करें। पांचवी वार्निंग देखें तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी उसको यूज़ नहीं करना है आपको, बिकॉज जो मदर के जो मिल्क से वो बच्चे तक जो है वो स्मॉल अमाउंट में पहुंच सकती है और वहाँ पे उसके डेवलपिंग के ऊपर जो है वो असर कर सकती है और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलती है स्मॉल बेबीज़ के अंदर।
ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कभी भी उसको यूज़ ना करें। और छठा यूज़ देखें तो जो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं और ऐसे पेशेंट की जो सीजनल एलर्जीज वगैरह फील करते हैं, एलर्जिक रिनिटिस जैसा कंडीशन होते हैं, लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर थ्रॉट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को भी आप डाइक्लोफेनेक का ये जो इंजेक्शन है वोवेरान, उसको जो है वो यूज़ ना करें। अब बात आती है माइंड में कि सेफ़ यूज़ कैसे हो सकता है ये इंजेक्शन का। तो सेफ़ यूज़ के लिए कुछ ऐसे टिप्स है कि सबसे पहले तो आप जो है वो प्रॉपर डायग्नोसिस करें कि जो भी पेशेंट आपके पास आता है या फिर आप डायग्नोसिस के लिए जाते हैं किसी भी क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल पे, तो ज़रूरी है कि आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। सेकंड, पेशेंट काउंसलिंग, कि जो भी पेशेंट है उसके साथ प्रॉपर बातचीत होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री पूछनी चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए कि जिससे जो है वो आप पता चले कि उसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है। तो तीसरा पॉइंट यही है कि मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की अच्छे से लेनी चाहिए। चौथा, इंजेक्शन को जो है वो समझो कि ये तीनों अच्छे से फॉलो हो जाते हैं तो उसके बाद प्रॉपर जो कोई एक्सपर्ट पर्सन है उसी के थ्रू उसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या फिर आईवी लगाए उसको प्रॉपर ड्रिप के साथ। एंड सबसे पहले तो वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस जरूर से आपको पता होने चाहिए यूज़ करने से पहले। तो इसी तरह से वोवेरान इंजेक्शन का सेफ यूज़ हो सकता है। तो ऐसे ही सीखे मेडिसिन के बारे में डिटेल में, उनके बेसिक यूज़ क्या होते हैं, डोज क्या रहते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होती है, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड उनके सेफ यूज़। तो ये कोर्स मिलेगा आपको एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में और सीखे सरल भाषा में फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो वहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे PDF, PPTs, लेक्चर वगैरह अफोर्डेबल प्राइस में एक साल तक। तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स या फिर 9016312020 पे आप हमें व्हाट्सएप करें कि जिससे आपको जो है वो पता चलेगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है या फिर व्हाट्सएप पे भी आपको जो है वो लिंक हम सेंड कर देंगे, कि जरूर से लिंक के लिए व्हाट्सएप करें। स्टडी मटेरियल के लिए, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर के लिए ऐप यूज़ करें फार्मारॉक्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, आईफोन ऐप है ऐप स्टोर पे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।